हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू हमारी पिछली वीडियो में हमने डिस्कशन की थी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पर है ना लेकिन ऑफ लाइट जो है वो किस किस फैक्टर्स पे डिपेंड करेगी वो हम स्टडी करने वाले तीनों सेम मटीरियल की बनी हुई है राइट लेकिन जैसे जैसे मैं एंगल ऑफ इंसिडेंस को चेंज कर रहा हूँ यू कैन सी लाइट अलग वे में रिफ्रैक्ट कर रही है वेरी क्लियरली यू कैन सी अब ऐसा क्यों हो रहा है इसको तो देखेंगे इस वीडियो में और उसके साथ लॉज ऑफ रिफ्लैक्शन क्या होते हैं उसको हम पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में सो लेट स्टार्ट दिस वीडियो तो स्टूडेंट्स इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं जल्दी से काफी इंटरेस्टिंग चैनल से आपको इंट्रोड्यूस करवाने वाला हूँ दैट इज श्री कृष्णा क्लासेस अगर आपको इंग्लिश में कोई डाउट है है ना जैसे कहाँ पे कॉन्सल्टेंस यूज करना है कहाँ पर कुड यूज़ होगा वुड यूज़ होगा या ऐसी कोई भी अगर आपकी प्रॉब्लम है तो इस चैनल पर जाइए आपको बहुत सारी हेल्पफुल वीडियोज़ मिलेंगी वीडियोज अगर आपको अच्छी लगती हैं डू सब्सक्राइब द चैनल राइट और इम्प्रूव यू इंग्लिश अब देखो हमने पिछली वीडियो में रिफ्रैक्शन क्या होती है काफी अच्छे से समझा था है ना एनिमेशन की हेल्प से देखो तो यहाँ पे दिस इज द इंसिडेंट रे दिस इज द रिफ्रैक्टेड रे एंड दिस इज कॉल्ड द इमर्जेंट रे ठीक है ये बाहर निकल रही है इमर्ज कर रही है एक चीज याद रखना जस्ट एक फैक्ट बता रहा हूँ आपको जो भी ये इंसिडेंट रे है और जो ये इमर्जेंट रे है दे आर ऑलवेज पैरल ठीक है ऑलवेज पैरल होगी ये जैसे इसको अगर आप एक्सटेंड करोगे ऐसे ठीक है दीज टू रेज दे आर गोन अब पैरल अब देखो एक चीज का मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था कि स्पेशल ध्यान रखना है रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन दोनों टर्म्स काफी सिमिलर हैं सुनने में ठीक है अब जैसे देखो रिफ्लेक्शन में हमने पढ़ा था कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है दैट इज इक्वल्स टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ठीक है लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है रिफ्रैक्शन वाले केस में यहां पे एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के इक्वल हो ऐसा जरूरी नहीं है ठीक है देखो सबसे पहले लाइट यहां पे हिट कर रही है ग्लास ग्लासलैब को ठीक है दिस इज अ ग्लासैब दिस इज द इंसिडेंट रे यहां पे अगर वो हिट करी तो अगर यहां पे हम एक नॉर्मल ड्रॉ करें ऐसे तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कौन सा होगा यार इंसिडेंट रे ये वाली है ये यहां पे कितना एंगल बना रही है ये वाला है ना नॉर्मल के साथ सो दिस इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस सिमिलरली अगर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन देखना है रिफ्रैक्टेड रे कौन सी ये वाली नॉर्मल ये था हमारा येलो वाला इट right? इन दोनों के बीच में कहां पे एंगल बन रहा है यहां पे सो दिस इज द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन सिंपल अब ये दोनों एंगल्स के आपको इक्वल लग रहे हैं ऑब्वियसली नॉट एंगल ऑफ इंसिडेंस यहां पे ज्यादा दिख रहा है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन से राइट एंड मोस्टली केसेस में ऐसा ही होगा कि एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ये दोनों इक्वल नहीं होंगे सिर्फ एक कंडीशन है जिसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन दोनों इक्वल होंगे जिसको हम स्टडी करेंगे इसी वीडियो में थोड़ा सा आगे ठीक है अब इसी चीज को एक एक्टिविटी की हेल्प से समझते हैं देखो यहां पे हमारे पास तीन डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल्स हैं फर्स्ट वन इज द वाटर ठीक है सेकेंड वन दिस इज द ग्लास एंड द थर्ड वन दिस इज द डायमंड शेप्स पे मत जाना यार ठीक है यहां पे मैंने जो सिंपलिसिटी के लिए ऐसे इनको शो किया हुआ रेक्टेंगुलर वे में ठीक है और यहाँ पे लेट्स सपोज तीनों के ऊपर मैं फोर्टी फाइव डिग्री पे इंसिडेंट कर रहा हूँ कोई लाइट ठीक है लेकिन उनकी रिफ्रैक्शन का जो एक्सटेंट होगा वो डिफरेंट डिफरेंट होगा ऐसा नहीं है कि हर केस में एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है ये सेम आएगा नो ठीक है नीचे आप इस पिक्चर में देख रहे हो 45 पे मैंने इंसिडेंट की तीनों ही केसेस में कोई लाइट लेकिन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हर केस में डिफरेंट डिफरेंट आ रहा है क्यों क्योंकि तीनों मटेरियल्स की ऑप्टिकल डेंसिटी अलग अलग है ऑप्टिकल डेंसिटी ज्यादा डिटेल में हम पढ़ेंगे अगली वीडियो में जब हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को पढ़ेंगे ठीक है लेकिन अभी के लिए इतना समझ लो कि ऑप्टिकल डेंसिटी जनरली सेंग जो मटेरियल ज़्यादा जिसकी मास डेंसिटी ज़्यादा होती है वो मटेरियल उतना ऑप्टिकली डेंस होता है ठीक है फॉर एग्जांपल यहाँ पर इन तीनों मटीरियल्स को अगर हम एक दूसरे से कंपेयर करेंगे तो सबसे ज़्यादा मास डेंसिटी किसकी होगी ऑब्वियसली डायमंड की है ना इसके पार्टिकल्स एक दूसरे के बहुत क्लोजली पैक्ड होंगे लेकिन अगर हम एयर की बात करें उसकी मास डेंसिटी बहुत कम होगी क्योंकि वो इन नो कि उसके पार्टिकल्स एक दूसरे से बहुत दूर दूर होते हैं सो जनरली सेइंग वी कैन से दैट एयर की ऑप्टिकल डेंसिटी भी बहुत कम होगी और डायमंड की ऑप्टिकल डेंसिटी भी बहुत ज़्यादा होगी अब देखो इसका मतलब क्या ऑप्टिकल डेंसिटी का अगर मैं बोल रहा हूँ कि एयर की ऑप्टिकल डेंसिटी कम है डायमंड की ऑप्टिकल डेंसिटी बहुत ज़्यादा है इट मीन्स एयर के केस में रिफ्रैक्शन भी कम होगी और डायमंड के केस में रिफ्रैक्शन भी बहुत ज़्यादा होगी फॉर द सेम इंसिडेंट एंगल यहाँ पर आप देख रहे हो ना सेम इंसिडेंस एंगल है लेकिन स्टिल डायमंड केस में लाइट बहुत ज्यादा रिफ्रैक्ट कर रही है एकदम से उसने अपना एंगल चेंज कर लिया क्यों क्योंकि दिस इज वेरी वेरी ऑप्टिकली डेंस ठीक है अब देखो इस चीज को एक एक्टिविटी की हेल्प से समझने की कोशिश करते हैं यहाँ पे हमने इन तीनों मटेरियल्स पे सेम एंगल पे लाइट को इंसिडेंट किया लेट सपोज फोर्टी फाइव पे एंड यू कैन क्लियरली सी कि जो रिफ्रैक्शन का एक्सटेंट है वो काफी डिफरेंट डिफरेंट है पहले केस में एयर के केस में आपको लगी नहीं रहा कि रिफ्रेक्शन हुई है ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन बात लेके लाइट बाहर निकली है वहां से लेकिन अगर आप लास्ट वाले केस में देखो विच इज द डायमंड क्योंकि ये ऑप्टिकली डेंस था बहुत ज्यादा इसलिए रिफ्रैक्शन का एक्सटेंट बहुत ज्यादा है ठीक है सो जस्ट रिमेंबर दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस दैट इज नॉट इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन अब देखते हैं कि कौन सा ऐसा केस है जिसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के इक्वल आ सकता है देखो ये चीजें दो केसेस में पॉसिबल है एक्चुअली ठीक है पहला अगर तो हम मान के चलें कि दोनों मटेरियल्स की ऑप्टिकल डेंसिटी अलग अलग है जैसे यहां पे लाइट एयर से ग्लास में जा रही है दोनों की ऑप्टिकल डेंसिटी अलग अलग है है ना एयर इज द रेयर मीडियम ग्लास इज द डेंसर मीडियम ऐसे केसेज में क्या होता है अगर लाइट प्रिपेंडिकुलरली हिट करती है सर्फेस को देन एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन दोनों इक्वल होते हैं ठीक है यहाँ पे आप क्लियरली देख रहे हो एंगल ऑफ इंसिडेंस भी जीरो है और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी जीरो है ठीक है तो एक तो ये केस हो गया जहां पे दोनों सेम आ सकते हैं और दूसरा केस कौन सा हो सकता है देखो जब लाइट लेट्स सपोज ए मीडियम से बी मीडियम में एंटर कर रही है ठीक है लेकिन दोनों की अगर ऑप्टिकल डेंसिटी इक्वल है तब तो उसका जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन का इक्वली होगा तब भी दोनों जीरो के इक्वली हो गए ठीक है फॉर एग्जाम्पल लेट्सपोज ग्लास से ग्लास में जा रही है दोनों की ऑप्टिकल डेंसिटी इक्वल है वैसे केसेस में लाइट बेंड नहीं करेगी अगर दोनों की ऑप्टिकल डेंसिटी इक्वल है क्लियर अब हम चलते हैं लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन पे जैसे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़े थे हमने दो वैसे ही हमारे पास दो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन है फर्स्ट लॉ सेम जैसे वहां पे हमने पढ़ा था कि इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे और जो नॉर्मल होता है वो सारे एक प्लेन में लाई करते हैं वैसे ही यहां पे भी हमारे पास फर्स्ट लॉ है एग्जैक्टली exactly सेम बस जहां पे रिफ्लेक्टेड रे थी वहां पे हमारे पास रिफ्रैक्टेड रे होगी एग्जैक्टली सेम इंसिडेंट रे रिफ्रैक्टेड रे और जो नॉर्मल होते हैं दे ऑल लाई इन द सेम प्लेन ठीक है अंडरस्टैंड करते हैं एक एक्टिविटी की हेल्प से यहां पे अगेन हमारे पास ग्लास लैब है कभी भी आपको ऐसा देखने को नहीं मिलेगा कि इंसिडेंट लाइट हिट करी यहां पे और जो रिफ्रेक्टेड लाइट है वो किसी और ही प्लेन में जा रही है ऊपर की तरफ देखो ऐसे लाइट कभी भी ऐसा नहीं होता ठीक है इंस्टेंट कैसा देखने को मिलेगा आपको जब भी आप रिफ्रैक्शन को ऑब्जर्व करोगे इसको से से साइड व्यू देखते हैं यू विल फाइंड कि इंसिडेंट रे रे रिफ्रैक्टेड और जो नॉर्मल्स होते हैं ये सारा एक ही प्लेन में लाई करते हैं तीनों चीजें यहाँ पे आप देख रहे हो एक ही प्लेन में लाई कर रही हैं तीनों चीजें कोई ऊपर की तरफ नहीं जा रही लाइट ठीक है तो दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ठीक है देन मूविंग ऑन टू द सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन विच इज ऑल्सो नोन एज द स्नेल्स लॉ डेफिनेशन इसकी फर्स्ट टाइम पढ़ोगे आपको डिफिकल्ट लगेगी द रेशियो ऑफ द साइन ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज अ कांस्टेंट और ये कंडीशन तभी वैलिड है जब हम लाइट एक पर्टिकुलर कलर की यूज कर रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट केसेस में और एक पर्टिकुलर गिवन पेयर ऑफ मीडिया को ही यूज करके चल रहे हैं मीडिया मीडियम को ही बोला जा रहा है यहाँ पे जैसे एयर हो गया ग्लास हो गया वाटर हो गया कुछ भी ऐसा डेफिनेशन से समझ आना मुश्किल है है ना सो लेट्स गो टू अवर एक्टिविटी ठीक है यहाँ पे हमारी तीन ग्लास स्लैब्स पड़ी हैं यहां पे एयर से लाइट आएगी और ग्लासेस में एंटर करने वाली है तीनों डिफरेंट डिफरेंट ग्लास में एंटर करेगी तीनों ग्लासेस की यहाँ पे ऑप्टिकल डेंसिटी में सेम कंसिडर करके चल रहा हूं उसने बोला ना दैट इज ट्रू फॉर द गिवन पेयर ऑफ मीडिया सो यहाँ पे पेयर ऑफ मीडिया कौन कौन से एयर और ग्लास ठीक है पेयर का यही मतलब होता है ना ठीक है यहाँ पे अब तीन ग्लास ग्लासलैब्स में क्यों लेके चल रहा हूं क्योंकि यहाँ पे हम कुछ वेरी करेंगे क्या चेंज होगा यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस ठीक है तीनों ग्लास स्लैब्स पे लाइट इंसिडेंट हम कराने वाले हैं लेकिन अलग अलग एंगल ऑफ इंसिडेंस करके ठीक है पहले केस में एंगल ऑफ इंसिडेंस हमारा हुआ 30 देन 45 देन 60 और उसके कॉरस्पॉन्डिंग हम एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना आता है उसको मेजर करेंगे तो देखते हैं यहां पे एंगल ऑफ इंसिडेंस 30 है दस वन यहाँ पे 45 और तीसरे केस में यहां पे एंगल ऑफ इंसिडेंस 60 एंड यू कैन क्लियरली सी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी हमारे अलग अलग आए हैं तीनों केसेस में ठीक है अब देखो इस डाटा को अगर हम एनालाइज करें पहली चीज तो हमको ये दिख रही है कि जैसे जैसे हमने एंगल ऑफ इंसिडेंस को इंक्रीज किया 30, 45, 60, वैसे वैसे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी इंक्रीज होता गया 19, 28, 35, है ना लेकिन उससे भी इंटरेस्टिंग चीज ये अगर हम इस चीज को निकालेंगे साइन आई डिवाइडेड बाई साइन आरथ फ्लोर ने यही बोला था दोनों एंगल्स के साइन की रेशियो अगर हम निकालेंगे वो सेम आनी चाहिए है ना लेट्स सी साइन थर्टी डिवाइडेड बाई साइन नाइनटीन कैलकुलेटर को यूज करना पड़ेगा ऑब्वियसली हमको एंड यू कैन सी साइन थर्टी डिवाइडेड बाई साइन कितना आंसर आ रहा है 53, ठीक है ठीक सिमिलरली हर केस के लिए मैंने यहाँ पे देखो डिफरेंट डिफरेंट टैब्स में मैंने वैल्यू कैलकुलेट कर रखी है हर केस में हमारा रिजल्ट फाइव ही आ रहा है है ना स्नेल्स so, लॉ की साइन आई डिवाइडेड बाय साइन आर की वैल्यू जो होगी वो हर केस में सेम आएगी फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडिया 1.5 जो ये रिजल्ट आ रहा है दिस इज फॉर द एयर एंड ग्लास ठीक है अगर आप कोई और पेयर ऑफ मीडिया यूज करोगे तो उस केस में आपका आंसर डिफरेंट आएगा रिमेंबर दिस सो दिस वॉज अवर सेकंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन विच इज ऑल्सो नोन एज द स्नेल्स लॉ ठीक है आई होप्प स्टूडेंड्स आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी इफ एंजॉइड दिस वीडियो डोंट गेट टू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल बिकॉज यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ सच इंटरेस्टिंग वीडियोज ऑन दिस चैनल और अगर आपको इस वीडियो के रिगार्डिंग कोई डाउट हो या आपकी कोई सजेशन हो उसको भी कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलना आई विल वी रिप्लाइंग टू ऑल ऑफ योर कमेंट्स थैंक्स फॉर वॉचिंग